नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ छोटी सी तैयारी यहाँ पर करना स्टार्ट की है और ये सारी तैयारी की है मैंने मॉनसून सीज़न के लिए। जो मैं वेजिटेबल गार्डनिंग करती हूँ या किचन गार्डनिंग जो करती हूँ उससे रिलेटेड ये है। जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उसमें जो वेजिटेबल गार्डनिंग थी उसका लुक कुछ अलग था और अभी यहाँ पर लुक कुछ अलग है। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने तो नहीं की है, मेरे हस्बैंड ने की है, क्योंकि इतनी मेहनत का काम मुझसे नहीं हो सकता। ये सारा जो बेड रेडी किया है इन्होंने, जितने भी ये ग्रो बैग्स हैं मेरे पुराने नए जो भी है वो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। पहले दूसरी जगह रखती थी मैं इन ग्रो बैग्स को। जो पुराने वीडियोज़ है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने कहीं और रखे हुए हैं। और ये प्लास्टिक के ग्रो बैग्स हैं जो काफ़ी हैवी प्लास्टिक होता है ना, उसके लिए हैं। तो गार्डनिंग के लिए ही हैं ये और मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे। टेरेस गार्डनिंग करती हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे बेल वाली सब्जियाँ हैं और जो हैवी फीडर प्लांट होते हैं ना, वेजिटेबल तो वैसे ही सभी हैवी फीडर होते हैं। यहाँ पर ये जो राखी बेल के प्लांट है ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं ताकि जो ग्रो बैग्स हैं और ये जो लकड़ियों का जो बेड बनाया है इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और बीच में चीकू का प्लांट भी लगाया है और ग्रो बैग्स रख के अब इनमें मिट्टी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये चारों तरफ फैल जाए। पहले सपोर्ट दे देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से लोहे के तार से बांध के ये बनाया है। तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने भी ये प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर लीजिए। मिट्टी को सबसे पहले, टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना तो मिट्टी को सबसे पहले धूप दिखानी होती है। तो जो भी जून महीने की या मई जून की जो गर्मी होती है उसमें मैं अपनी मिट्टी को पूरी तरह सुखा करके, बिल्कुल पानी नहीं देती हूँ उसमें, और सुखा करके उसमें अच्छे से गोबर का खाद मिला के रेडी कर लेती हूँ और ट्राइकोडर्मा भी मिक्स करती हूँ। बस ये वही मिट्टी है, देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी फैलाई हुई है। इसी तरीके से मैंने पूरी छत पे मिट्टी फैला के रखी हुई थी और वो जब अच्छे से सूख गई है उसके जितने भी कीटाणु हैं ना, पुरानी जो मिट्टी होती है उसमें कीटाणु भी होते हैं, तो वो सारे खत्म हो गए और जो जीवाणु होते हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। तो उसके लिए हम गोबर खाद डालेंगे ना, तो उससे उसको जीवाणु वापस मिल जाएंगे, वो मिट्टी वापस से जीवित हो जाएगी। तो मिट्टी को रिचार्ज करना किस तरीके से करना है वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने डाला था, मिट्टी कैसे बनाएं या उसको रिचार्ज कैसे करें। जो डेड सॉइल होती है, जब हम धूप दिखाते हैं ना तो सॉइल डेड हो जाती है, तो उसके अच्छे और बुरे कीटाणु दोनों, जीवाणु दोनों मर जाते हैं और फिर हमें उसे फिर से रिचार्ज करना होता है। तो गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा मिक्स करके मैं ये मिट्टी फिर से रेडी कर दूंगी। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन सैंड भी मिलाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि बड़े ग्रो बैग्स हैं ना तो ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, वरना मेरे जो बेल वाले प्लांट है जैसे स्पंज गॉर्ड है या रिज गॉर्ड है या जो बॉटल गॉर्ड होती है वो भी मैं लगाऊंगी। तो ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स मुझे टेरेस पर किचन गार्डनिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं और पिछले 2 साल से मैं इन्हीं ग्रो बैग्स में किचन गार्डनिंग कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं होगा, पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो उन्हें भी मुझे इस मॉनसून में पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से किचन गार्डनिंग करती हूँ, वो भी टेरेस पे। काफ़ी मुश्किल होता है, ज़्यादा फ्रूटिंग तो नहीं मिलती है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को कुछ सिखा सकूँ या मैं खुद कुछ सीख सकूँ, क्योंकि ये जो गार्डनिंग होती है इसमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर अपनी मिट्टी को रिचार्ज कर लिया है, ग्रो बैग्स आपने भर लिए हैं और मतलब आपने पूरा अपने पॉट्स रेडी कर लिए हैं, तो उसके बाद आप अपने सीड्स की तैयारी कर लीजिए कि आपको कौन से सीड्स लगाने हैं, किस तरीके के मॉनसून सीड्स आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। मैं जहाँ से भी परचेस करूँगी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मेरे पास जो पुराने सीड्स रखे हैं वही मैं सारे इसमें डाल दूँगी, तो जितने भी प्लांट्स बनने होंगे बन जाएंगे। और इसके बाद आपको गोबर खाद का कलेक्शन करके रखना होगा, क्योंकि वैसे तो मॉनसून में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है खाद की, लेकिन कभी कभी बारिश बीच में थोड़ी रुक सी जाती है तो पौधों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन सा दूंगी वो सारी जानकारी देंगे। और यहाँ पर देखिए जो पॉट्स पुराने हैं जिनमें मैंने टमाटर वगैरह लगाए थे वो सारे अब सूख चुके हैं, क्योंकि वो विंटर में लगाए थे, उन्हीं की मिट्टी को हम सबसे पहले इसमें यूज़ कर रहे हैं और इसमें सैंड और गोबर की खाद मिला के ग्रो बैग्स रेडी करेंगे।
तो मानसून सीज़न के लिए प्रिपरेशन के लिए फ़िलहाल मैंने यही तैयारी करी। एक तो ग्रो बैग्स रेडी किए हैं और उनमें अब मिट्टी डाल के रेडी कर दूंगी, ताकि पानी की पहली फुहार के साथ ही मैं इनमें सीड्स लगा दूंगी। और होप्स हो मुझे इस बार और अच्छी फ्रूटिंग मिले, पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छी। तो आपने भी अगर मिट्टी को धूप नहीं दिखाई है तो दिखा दीजिए, मानसून सीज़न स्टार्ट होने वाला है। और सीड्स कलेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, पुराने सीड्स हैं तो वो भी ले आइए, न्यू सीड्स हैं तो वो भी ले आइए। अब इसके ऊपर मुझे मचान बनानी है, यानी कि जो बेलें हैं ना वो चढ़ेंगी इसके ऊपर, तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो फिलहाल मानसून सीज़न की मैंने यही तैयारी की है और आप भी कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।